जिसको कहते हैं कि आरे चलाए नहीं साडे हां ते, आरे चलाए नहीं साडे हां ते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। चलें आज का प्यार सा सब व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। वार्ड आज हमारे घर आए हुए हैं कारीगर दरख्त काटने वाले। ठीक है, आज हम दरख्त कटवाने जा रहे हैं और कारीगर आए हुए हैं। आपको मैं कारीगरों से मिलवाता हूँ। हमारे दरख्त दो तीन दरख्त हैं, वो गिराने में लगे हुए हैं, सुबह का आए हुए हैं। पर सबसे पहले आज का खूबसूरत और प्यारा सा मौसम चेक कर ले यार, इतना माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। तो मैंने सोचा आपके सामने जरूर शेयर करूं। ये हमारे चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। खैरियत है? काम शुरू है? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचा है काम? बस वो अभी बूटा घराने वाले हैं। अच्छा, ये मशीन है, आरा मशीन है। जी, जिसको कहते हैं कि आरे चलाए नहीं साडे हाथ है, वही चीज है। अच्छा, तो इसको भी कटाई करते हैं। वाह भाई वाह, आरे चलाए नहीं साडे हाथ है। चाचा भी चलाए नहीं साडे हाथ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अबू के पास अभी जाना है। अच्छा, 12 बजे। अच्छा, उसका भी इसी तरह रहा। अच्छा, ये चाचा कहते हैं उसको भी मशहूर करना है। अच्छा, मशहूर करना है, कहते हैं अबू जब इसी हालात में होगा 12 बजे जाना, 12 से पहले। अच्छा, पहले नहीं जाना, ठीक है, खास गर्मी के टाइम पे जाना है। अच्छा, दूसरे चाचा को भी मिलवाते हैं आपको। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। सुनाएं जी, कहाँ पहुँचा है काम? अच्छा, ये और कितनी खुदाई करनी है नीचे? 4-5 फुट तो हो जी। 4-5 फुट? अच्छा, उसके बाद ये गिरेगी तरफ। अच्छा वाह भाई वाह, ये आरा मशीन जो कह रहे आ रहे चलाए सारे हाथ है। पानी नहीं पी रहे हैं के। मैं क्या चीज ले आया हूँ घर से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली पानी, खाली पानी, पानी। यार चाचू अभी बेस्ती कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप खा रहे हूं कि भाई जलेबी समोसे के। अरे जलेबी समोसे आप तो चाचे के लिए जरूर जलेबी लाने पड़ेगी, अब ना लाया तो फिर बेस्ती। मीठी चीज का बहुत पसंद है। अच्छा, मीठी चीज, मीठी चीज बहुत। ठीक है, ठीक है भाई, आप काम करें, आपके लिए इंशाल्लाह मीठी चीज आ जाएगी। मेरे ख्याल में मीठी चीज का नाम उठा लें तो आपके अंदर थोड़ी सी ताकत बढ़ जाती है ना। अच्छा, आपने बताया कि मैं जाता हूँ मीठी चीज लेने के लिए जलेबी। अच्छा, मैं सेट हो गया हूँ, खाया नहीं है। अच्छा, सामने आकर लटका दो उसको। अच्छा, हम लोग देखते रहोगे और साथ में काम भी करते रहोगे। ठीक है, हाँ विवाह साहब, मैं जा रहा हूँ और अपने मजदूरों के लिए कुछ मीठा लेने के लिए, क्योंकि वो मीठा बहुत शौकीन से खाते हैं। तो अभी चाय का टाइम हो गया तो पूछे तो कह रहे हैं जलेबियाँ, तो ठीक है भाई जलेबियाँ हम जब देखते हैं तो हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है। तो मैं अब जा रहा हूँ उनके लिए जलेबियाँ लेने के लिए। अब हम लें जलेबियाँ चाची के लिए, ये देखें चाय भी आई हुई है और जलेबियाँ लें, ये लें जी जलेबियाँ ले लें अपनी। ठीक है, ये रख लें, रुमान को दे देंगे, ये रुमान टिफिन ले लें। ओहो, सॉपर भी पार दिया चाचा। ओ पेन है चाचा, टायर आते ही चाचा, टायर हर चीज काम और टायर कटे थी कि नहीं, ट्यूब लगे तो ट्यूब थोड़ी टूकी गई है। अच्छा, ओहो, टायर खत्म है कि टायर। अच्छा ठीक है, बस देखें अब तकरीबन काम बहुत नजदीक पहुंच चुका है। देख सकते हैं दरख्त के आसपास से सफाई हो चुकी है। तो जी चाचा बताएं जी, कौन ही हुई? अभी कौन ही हुई? क्यों इस साइड से साफ नहीं होगा? देखें जड़े भी काट गई हैं इसकी। अभी नहीं हुई? अच्छा, इस साइड से अभी बाकी रहती है। तो अभी आरा चलाएंगे, इस साइड से कटाई करेंगे और फिर ये दरख्त इंशाल्लाह कर जाएगा।
जी वार घूम घुमा के हमारा एक दरख्त गिर चुका है जी। ये देखें सारे हमारे छोटे छोटे भाई कजन झूले खा रहे हैं इस पे। ये देखें हमारे इस साइड से हमारा एक दरख्त गिर गया नीचे। अब दूसरे दरख्त की खुदाई हो रही है नीचे, फिर इसकी बारिया गिरने की। और यार एक और अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है, हमने पहले देखा नहीं है इसी दरख्त पे बोल उसका यहाँ पर घोंसला था, ठीक है, वो हमने देखा नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। अफसोस की बात है वो है, एक तो गिर गया लेकिन वो मेरे ख्याल में मर चुका और एक बार बच गया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने दूसरे दरख्त के ऊपर रखे हैं और मैं आपको बुलबुल के बच्चे दिखाता हूँ। यार बहुत ऊपर मैंने रख दिए हैं क्योंकि ताकि आके इसकी माँ से देख ले। ये देखें यार, ये देखें एक बच्चा बैठा है और दूसरा बच्चा इसका मर गया, इसके साथ का भाई है या जो भी है। ये देखें यार कितनी तरस रहे हैं अपने माँ के लिए और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत तरस रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है यार, दुआ करें यार अल्लाह करे इसकी माँ आ जाए इसे उठाने के लिए, वरना ये जहाँ पर मैंने रखा तो है लेकिन ये कीड़े मकोड़े आ गए ये भी इसे मार देंगे। चलें देखते हैं अल्लाह पाक खैर करेगा। ये देखें यार कितने खूबसूरत माशाल्लाह बारिश हो रही है, अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया है माशाल्लाह। देखें पहले मौसम बहुत अच्छा बने हुआ था और आप देखें माशाल्लाह बारिश हो रही है। और ये देखें चाची लोग खाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बारिश ख़त्म होगी तो फिर दोबारा काम शुरू हो जाएंगे। बहुत गर्मी थी पहले, ये दुआ भी कर रहे थे अल्लाह पाक बारिश दे दे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से इनके कपड़े सारे गीले हो गए थे। अब बारिश वाले पानी से इनके कपड़े गीले हो गए हैं। बस मेरे ख्याल में आज का व्लॉग बहुत हो चुका है, आज की व्लॉग को एंड करते हैं इसी बारिश में, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।